मुजफ्फरपुर में ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़ा, 22,000 कैश, लैपटॉप और 6 मोबाइल चोरी, पीड़ित ने लगाई सामान बरामदगी की गुहार। मुजफ्फरपुर के पीएनबी बैंक फ्रॉड की जांच करेगी ईडी, कई अकाउंट से निकले 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, बैंक और बीएसएनएल कर्मियों की टीम मिली भगत। दादू की जमानत याचिका मंजूर, 4 घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो की बेल पर 4 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। पेटी कॉन्ट्रैक्टर की महंगी गाड़ी पर घूम रहे गया जिले के शेरघाटी एसडीओ, 11 लाख की कीमत से अधिक की गाड़ी नहीं ले सकते, 24 लाख वाले पर घूम रहे। यूक्रेन टू पोलैंड शुभम की वो 78 घंटे की यात्रा, -5 डिग्री में 3 दिन से भूखे प्यासे बिना सोए लाइन में था, टूटने लगी थी घर पहुंचने की उम्मीद। बेतिया में हथियार के साथ 3 नाबालिग पकड़ाए, रास्ते में घात लगाकर बैठे थे, लोगों ने पकड़कर पहले जमकर पीटा फिर पुलिस को सौंपा। भागलपुर में आपसी रंजिश में युवा का मर्डर, खाना खाने के लिए घर लौट रहा था, अपराधी ने सीने और कनपट्टी में मारी गोली। ग्रेजुएशन स्टूडेंट पथक पालन से रोज कमा रहा 3,150 रुपए, पढ़ाई के दौरान आया बिजनेस का आइडिया, यूट्यूब से दी जानकारी, एक दिन का खर्च सिर्फ 400। छपरा में बेलगाम कार ने 2 को कुचला, हालत गंभीर, बाइक से दोस्त के साथ घर लौट रहा था बीजेपी विधायक का भतीजा, हाईवे पर हुआ हादसा। बिहार में कॉन्ट्रैक्टर के भुगतान में घोटाला, आरजेडी के भाई वीरेंद्र का आरोप, 1832 कॉन्ट्रैक्टर को बिना जीएसटी काटे हुए भुगतान, सरकार ने कहा जांच करवाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ खेती की ट्रेनिंग, जमुई में 14 तरह की सब्जियां उगा रहे बच्चे, मिड डे मील में हो रहा इस्तेमाल। भोजपुर के सोन में डूबे 2 दोस्त, एक अब भी लापता, घर से झूठ बोलकर कोइलवर गए थे, 5 किशोर सेल्फी वीडियो के चक्कर में गई जान। 46,927 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन इसी महीने, बीपीएससी ने विज्ञापन शिक्षा विभाग को भेजा, शिक्षक संघ ने कहा सरकार दूरदृष्टि दिखाए। 2 शिफ्ट में होगा मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन, 5 मार्च से शुरू होगी मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रथम पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यूक्रेन के बिहार से लौटे 20 जिलों के 51 स्टूडेंट, अब तक 92 की वतन वापसी, बोले जिस हालात से निकलकर यहां पहुंचे हैं हम, नई जिंदगी मिली। पत्नी की हत्या पर पति को ट्रेन के आगे कूदा, पटना के मसौरी में दिल दहला देने वाली घटना, बेसहारा हुई 2 साल की बेटी। सीतामढ़ी में डीएम ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के अभिभावकों से मुलाकात कर बढ़ाया ढाढ़स, कहा जिले के 55 छात्रों में से 16 की वापसी हुई। हाजीपुर शहर के गोदाम में लगी भीषण आग, 6 घंटे तक जलता रहा गोदाम, दमकल के साथ गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू। भोजपुर में हादसा, 2 की हालत गंभीर, आरा सिन्हा मुख्य हाईवे पर बाइक ने बुजुर्ग को मारी चक्कर, रतनपुर गांव में दोपहिया से गिरा युवक। अब 4500 रुपए में घर बैठे सीखे स्पेनिश और फ्रेंच, 12वीं पास स्टूडेंट्स ले सकते हैं एडमिशन, इग्नू ने कृषि खाद्य और पोषण ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शुरू किया कोर्स। शेखपुरा में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहा था, करंट लगने से मौत, 1 महीने बाद होने वाली थी युवक की शादी, परिजनों का आरोप, मंदिर प्रशासन की लापरवाही। पूर्व मंत्री के ड्राइवर को बदमाशों ने मारी गोली, सीतामढ़ी में ड्यूटी खत्म कर बाइक से गांव जा रहा था, अपराधियों ने पीछे से कर दी फायरिंग। रोहतास में मवेशी लदा ट्रक छोड़ने वाला दरोगा सस्पेंड, ट्रक को थाने लाकर 4 घंटे बाद छोड़ा, वायरल वीडियो की जांच के बाद हुई कार्रवाई। मोतिहारी में जमीनी विवाद में गोलीबारी, 2 भाई के बीच चली गोलियां, पुलिस ने दोनों से 3 लोगों को किया गिरफ्तार, बंदूक भी बरामद। यूक्रेन से बिहार आए छात्रों की नई परेशानी, 50 लाख रुपए कर्ज लेकर कराया था एडमिशन, अब लोन चुकाने के साथ डिग्री की भी चिंता। बेगूसराय में नकदी समेत 6 लाख की लूट, घर में घुसकर विधवा महिला को बनाया बंधक, फिर हथियार के बल पर की लूटपाट। सदन में शौचालय पर माननीयों की नोक झोंक, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा बंद रहते हैं टॉयलेट, विजेंद्र यादव ने ली चुटकी, सरकार ने कहा जांच कराएंगे। विधानमंडल के बजट सत्र का 3रा दिन, नीतीश बोले हत्या और फिरौती के मामले में गई आई कमी, हर थाने में 1 महिला पुलिस अधिकारी की होगी नियुक्ति। बेतिया में सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के साजिश मामले में था संलिप्त, नाबालिग की मौत मामले में था आरोपी। विटियार में बढ़ रही जानवरों के लिए सुविधाएं, गर्मी से पहले होगी वाटर हॉल की सफाई, जंगल में आने जानवरों की संख्या भी बढ़ी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।